Hi everyone, I am Bharat sir from Thamna Education Institute. Previously we have discussed chapter number 2 and two activities of chapter number 2. Today we will discuss further. Let us see. Find out some other animals which have ear that we cannot see. यानी कुछ ऐसे एनिमल को फाइंड आउट करना है जिसके कान हम नहीं देख पाते हैं. राइट देयर नेम्स, और उनके नाम भी लिखने हैं. हम ऐसे तो बहुत सारे एनिमल हैं जिसके कान हम नहीं देख पाते, बट हम यहाँ पे फ्यू नेम्स लिखेंगे, क्योंकि थोड़े नाम लिखेंगे. जैसे कि क्रोकोडाइल है, फिश है, फ्लाई मॉस्किटोज है, देन स्वाम है ना. अगर आप दूसरे लिखना चाहो तो यू कैन राइट. लेट अस सी बिलो, रीड एंड राइट. फर्स्ट वन इज एन एनिमल विथ ईयर लाइक फैन ना. एनिमल है जिसके कान फैन जैसे है, है ना, पंखे जैसे बड़े बड़े. कौन है ऐसा एनिमल? इट इज अ एलिफेंट, है ना. एलिफेंट है जिसके कान बड़े बड़े होते हैं. सेकेंड वन इज एन एनिमल विथ ईयर लाइक लीव्स, यानी ऐसा एनिमल जिसके कान लीव्स जैसे होते हैं, पेड़ के पत्ते की जैसे. तो कौन है ऐसा? इट इज अ रैबिट. एन एनिमल विथ ईयर ऑन टॉप ऑफ इट्स हेड, बराबर. टॉप ऑफ इट्स हेड यानी इसके हेड के टॉप पे होते हैं कान. कौन सा एनिमल है ऐसा? इट इज अ रैबिट अगेन. यानी सेकेंड एंड थर्ड में दोनों में क्या आएगा? रैबिट आएगा. देन फोर्थ वन इज एन एलिफेंट विथ ईयर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स हेड. बोथ साइड ऑफ हेड, है ना, साइड ऑफ हेड. कौन है ऐसा? इट इज अ डॉग. यानी फोर्थ में क्या आएगा? डॉग आएगा. लेट अस रीड व्हाट इज रिटन बिलो. यू नो वेरी वेल, ईयर्स हेल्प अस टू हियर. यानी आप अच्छे से जानते हो कि कान हमें सुनने में हेल्प करते हैं. इन सम एनिमल यू कैन सी द ईयर्स, यानी कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिसके कान हम देख सकते हैं. इन सम यू कैन नॉट, यानी कुछ ऐसे भी एनिमल है जिनके कान हम नहीं देख सकते हैं. वी कैन नॉट सी अ बर्ड्स ईयर, यानी हम बर्ड्स के कान नहीं देख सकते हैं. बर्ड्स हैव टाइनी होल्स ऑन बोथ साइड ऑफ देयर हेड्स. यानी बर्ड्स जो होते हैं उनके दोनों साइड पे, है ना, क्या होते हैं? छोटे छोटे हॉल होते हैं इन अ शेप ऑफ ईयर, यानी कान होते हैं छोटे छोटे हॉल के फॉर्म में जो हम नहीं देख पाते हैं. जनरली द हॉल्स आर कवर्ड विथ फीदर. कवर्ड विथ फीदर, फीदर यानी छोटे छोटे पंख, है ना. उनकी स्किन ही ऐसी होती है, बर्ड्स की फीदर स्किन होती है. लेट मी शो यू पिक्चर. यहाँ ये पिक्चर में आप फाइंड कर सकते हो कि इट इज़ अ पिक्चर ऑफ फीदर. फीदर यानी पंख. तो बर्ड्स की स्किन भी ऐसी होती है, फीदर स्किन होती है, उनके पंख भी होते हैं और फीदर स्किन होती है, इसलिए वो जो छोटे छोटे हॉल के फॉर्म में उनके ईयर होते हैं वो कवर हो जाते हैं. दे हेल्प द बर्ड टू हियर, और वो छोटे छोटे हियर उनके कान हैं वो बर्ड को सुनने में हेल्प करते हैं. If you look carefully, you will see tiny holes on result ear. These are its ear. अब अगर आप carefully देखोगे एकदम ध्यान से तो आपको lizard के छोटे छोटे होल दिखाई देंगे. मीन्स के उसके कान, है ना, lizard की बोथ साइड पे छोटे छोटे होल दिखाई देंगे. वो उसके क्या है? कान है. यहाँ पे एक पिक्चर में आप देख सकते हो लिजर्ड के ईयर ना एकदम छोटे छोटे हैं इन हॉल फॉर्म, जो हम इजीली देख नहीं पाते हैं. अ क्रोकोडाइल ऑल्सो हैज ईयर लाइक दिस बट वी कैन नॉट सी देम इजीली. यानी क्रोकोडाइल के भी ईयर लिजर्ड जैसे ही होते हैं, छोटे छोटे हॉल फॉर्म में, बट वो हम इजीली देख नहीं पाते हैं. यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो क्रोकोडाइल का, है ना, उसके भी ईयर है ना, इसके
ठीक आँख के पीछे और छोटे छोटे हॉल के फॉर्म में है जो हम इजीली देख नहीं पाते हैं। वू स्किन। नाउ यू नो हाउ टू रिकॉग्नाइज एनिमल बाय देयर ईयर्स। लेट अस रिकॉग्नाइज एनिमल बाय देयर स्किन। बरोबर, रिकॉग्नाइज मीन्स आइडेंटिफाई करना। बरोबर, हमें पता है कि उनके एनिमल के कान से हम उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, भी वो हमने देखा। अब हम देखेंगे कि उनके स्किन से उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। मेड द एनिमल सोन हियर विथ द पिक्चर ऑफ देयर स्किन। मेक द करेक्ट पैटर्न ऑफ द स्किन ऑन द पिक्चर ऑफ द ऑफ ईच एनिमल। ओके, यानी यहाँ पे हमें क्या करना है, वी मस्ट आइडेंटिफाई द एनिमल्स बाय देयर स्किन, है ना। तो यहाँ पे अलग अलग स्किन हमें दी गई है, यहाँ पे अलग अलग एनिमल के पैटर्न दिए गए हैं, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहले छोटी सी स्क्विरल है, स्क्विरल का स्किन कौन सा है, ये रही। देन यहाँ हम देख सकते हैं कि डियर की स्किन यहाँ पे है, टाइगर की स्किन यहाँ पे है, और अब जिब्रा है, है ना। जिब्रा कहाँ पे है, जिब्रा की स्किन यहाँ पे है, और लास्ट में जो लेपर्ड है उसकी स्किन भी यहाँ पे है। तो हमें ये स्किन आइडेंटिफाई कर ली है। सो यहाँ पे हमने अलग अलग एनिमल की स्किन आइडेंटिफाई की और उनको मैच भी किया। लेट अस सी बिलो द डिफरेंट पैटर्न ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू द हेयर और देयर स्किन। ओके, तो यहाँ एनिमल की जो भी पैटर्न है, यानी ये पैटर्न हमने देखी है सब, तो किसकी वजह से है, इट इज़ ड्यू टू देयर हेयर और स्किन, यानी उनकी स्किन ऐसी होती है और उनके ऊपर हेयर होते, इसकी वजह से ऐसे पैटर्न बनते हैं। नीचे एक क्वेश्चन पूछा गया है जो हमें इमेजिन भी करना है ना, इट इज़ अ ट्रिकी है। देखो, हैव यू एवर सीन एन एनिमल विदाउट हेयर। आपने भी किसी एनिमल को हेयर के बिना देखा है, इमेजिन यानी नहीं देखा है, बट इमेजिन करना है। इमेजिन हाउ द एनिमल वुड लुक लाइक इफ इट डज नॉट हैव एनी हेयर ऑन इट्स स्किन। देयर वुड बी नो पैटर्न और कलर। यानी इमेजिन करो, अगर एनिमल के भाई हेयर नहीं होते तो वो कैसे दिखते, ऐसी पैटर्न नहीं होती और अलग पैटर्न नहीं होती, तो हम इजीली इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ओके, सो वी विल कंक्लूड आवर लेसन और डिस्कशन हियर। वी विल डिस्कस मोर इन अ नेक्स्ट सेशन।